रियलिटी शो बिग बॉस OTT का तीसरा सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। इस बार सलमान खान नहीं बल्कि झक्कास एक्टर अनिल कपूर इस शो को होस्ट करेंगे। वहीं शो की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट भी मिल गई। वो और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की फेमस वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित है। सड़क पर वड़ा पाव का ठेला लगाने वाली सोशल मीडिया सेंसेशन चंद्रिका अब एक रियलिटी टीवी स्टार बन गई हैं। हाल ही में वो मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट की गईं। हालांकि उनकी यहां तक पहुंचने की जर्नी आसान नहीं रही। चंद्रिका की संघर्ष भरी कहानी सुनेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे। चंद्रिका दीक्षित इंदौर की रहने वाली हैं। इनका एक बेटा है जो स्कूल में पढ़ाई करता है। चंद्रिका दीक्षित पहले हल्दीराम कंपनी में काम करती थी। उनके पति रैपिडो में नौकरी करते थे। इस बीच उनके बेटे को डेंगू बुखार हो गया। ऐसे में अपने पति की नौकरी की अनियमित टाइमिंग और अपनी कम सैलरी के चलते चंद्रिका ने हल्दीराम कंपनी में नौकरी छोड़ दी। इस चुनौती भरे समय ने उन्हें खाना पकाने के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने दिल्ली के सैनिक विहार इलाके में फूड कोर्ट का बिजनेस शुरू किया। चंद्रिका जल्द ही वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस हो गयी। उनका साधारण खाने का ठेला जल्द ही लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। उनके हाथ से बना लजीज बड़ा पाव खाने के लिए लंबी लाइन लगने लगी। चंद्रिका दीक्षित तब चर्चा में आई जब फूड ब्लॉगर अमित जिंदल ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में उनके वड़ा पाव बनाने और बेचने के हुनर को दिखाया गया जिसने लोगों का ध्यान खींचा। चंद्रिका रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। लोगों की भीड़ उनका वड़ा पाव खाने के लिए बेताब हो गई। हालांकि फेमस होने के बाद चंद्रिका की जिंदगी में कई चुनौतियां आईं। जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी वो कई विवादों में घिरती गईं। चंद्रिका ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि 35,000 रुपए की फीस का भुगतान करने के बावजूद रिश्वत की मांग की गई। इस विवाद के अलावा चंद्रिका दीक्षित का अन्य स्ट्रीट वेंडर्स के साथ टकराव भी हुआ। एक महिला ने चंद्रिका के बिजनेस से सीधे टक्कर लेने के लिए वड़ा पाव का ठेला लगा लिया। बावजूद इसके चंद्रिका ने हार नहीं मानी। एक वड़ा पाव ने चंद्रिका की किस्मत बदल डाली। उन्हें शानदार फोर्ड मस्टैंग कार से उतरते देखा गया जिसकी कीमत 76 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं अब देखना ये है कि चंद्रिका बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी तक पहुंच पाएंगी या नहीं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।